हेलो एवरीवन, दिस इज हनी जी मित्तल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया भट्ट का झुमका लुक। रिक्रिएट करेंगे हम इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं इस इयररिंग्स को हटाऊँ क्योंकि झुमके पहनने हैं हमको, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन को अच्छे से क्लीन करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ स्प्रे को स्प्रे कर रही हूँ एज अ टोनर। इसके बाद मैं एक मैट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो मॉइस्चराइज़र जो स्किन को सूट करता है वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। आलिया का लुक बहुत ही स्मूथ और ग्लोई होता है, इसलिए मैं यहाँ स्टोप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हम प्राइमर को लगाएंगे अपने फेस पे। जेल प्राइमर मैंने यूज़ किया है। अब डार्क सर्कल और पैची स्किन को कलर करेक्टर से कवर कर लें। फाउंडेशन में यहाँ मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और इससे आप अपनी स्किन को पूरा कवर कर लें। बेस को सूदिंग रखना है, हैवी नहीं, एंड ट्रांसलूट पाउडर से अच्छे से सेट कर लेंगे। आलिया की आईज़ काफ़ी इंटेंस हैं, तो यहाँ पे हम सारे न्यूट्रल कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले ब्रोज को सेट करेंगे, ब्राउन ब्लैक कलर से मैंने इसको सेट किया है अच्छे से। इसके बाद क्रीज लाइन को हम डेप्थ देंगे। आलिया के जितने लुक देखेंगे आप सारे ही नॉर्मल ग्लोई और नेचुरल होते हैं, बहुत मैट लुक होता है, तो हम भी यहाँ पे नॉर्मली लुक देंगे। ब्लैक और ब्राउन को ही यूज़ करेंगे और स्मोकी लुक देंगे। लोअर लैश लाइन पे हम आउटर टू इनर कॉर्नर हम डार्क टू लाइट लेते हुए आएंगे और इसे स्मोकी लुक देंगे। इन लास्ट वाटर लाइन पे काजल लगाएंगे। आईज टर्न करने के बाद हम फेस से एक्स्ट्रा पाउडर निकाल के फेस को कंटूर, फ्लशर और हाईलाइट से कम्प्लीट करेंगे। नो नीड टू फेक लैशेज। इस लुक में ब्लशी पिंक लिप्स हैं जिसके लिए मैंने बहुत प्यारा शेड यूज़ किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तक मशीन हीट हो रही है तब तक क्विक चेंज करते हैं। हमें सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए इसलिए हम यहाँ स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने दो पार्ट डिवाइड कर लिए अपने हेयर्स। फ्रंट लुक बाद में करेंगे इसलिए मैंने उसको टाई कर लिया। इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए मुझे 30 to 35 मिनट्स लग लेते कम्प्लीट विथ हेयर्स। फ्रंट लुक को बहुत केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि ये आपके पूरे लुक को चेंज कर सकता है। आपके कर्ल्स को बहुत तरीके से करना पड़ता है। हेयर कंप्लीट, अब बिंदी पे आते हैं। बिंदी यहाँ मुझे बड़ी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी क्योंकि आलिया ने भी बड़ी बिंदी लगाई है। नॉर्मली मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, यहाँ पर बड़ी बिंदी लगा के काफ़ी देसी फीलिंग आ रही है। ये लुक विदाउट नोज पिन कम्प्लीट नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नोज पिन की एक जुगाड़ की है। मैंने स्टोन बिंदी को लगा लिया है। इस पूरे लुक का मेन पार्ट झुमका, इसके बिना ये पूरा लुक इनकम्प्लीट है। मेकअप के साथ साथ एसेसरीज का भी काफ़ी योगदान होता है आपके लुक के लिए। सो हियर्स माई आलिया भट्ट झुमका लुक। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू, नमस्ते।